जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, आपको मकर संक्रांति का एक बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ और जो उपाय कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के मंत्र जाप की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल और छोटा सा उपाय है और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हों, जैसे कि 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 6 हैं, उतने ही हिसाब से आपको गजक जो होती है, गुड़ और तिल की गजक, जैसे 5 सदस्य हैं तो 5 पीस लेने हैं आपको, ठीक है। और 6 सदस्य हैं तो 6, 7 हैं तो 7, ऐसे इस तरह से पीस लेने हैं। 1 है तो केवल 1 पीस लेना है और लेकर के आपको, और ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ सारे के सारे देवता बैठे हों, लक्ष्मी और विष्णु बैठे हों, राम सीता बैठे हों, राधा कृष्ण बैठे हों, हनुमान जी बाबा बैठे हों, ऐसे मंदिर में जहाँ सारे देवताओं की स्थापना हो। और उसमें जो मुख्य देवता हों उस मंदिर में, जैसे राम जी का मंदिर है तो राम जी मुख्य होंगे, हनुमान जी का है तो उसमें हनुमान जी मुख्य होंगे, सीता उसका, कृष्ण भगवान का तो कृष्ण भगवान मुख्य होंगे। तो मुख्य देवता को आपको वो सारे पीस चढ़ा देने हैं, ठीक है ना। मुख्य देवता को आपको सारे पीस चढ़ा देने हैं, प्रसाद लगा देना है, भोग लगा देना है और उसको वहीं पर छोड़ करके आ जाना है और प्रार्थना करनी है देवता से, हे प्रभु, हमारे भाग्य का बंधन या फिर आपकी जो भी परेशानी है, शादी विवाह वगैरह की जो भी परेशानी, आप उसको बोल सकते हैं। और आप इस चीज़ को महसूस करेंगे, 6 महीने से साल भर के भीतर वो परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। ये एक टोटके वाला प्रयोग है, जो मित्रों टोटके वाला प्रयोग है और उसी तरह से किया जाएगा। ये एक ही बार का प्रयोग होता है, मकर संक्रांति को और संकट चतुर्थी को ये किया जाता है, तो आप इसे करें। बहुत सुंदर प्रयोग बताया मैंने आपको और मेरी लगातार जो वास्तु की वीडियो हैं वो मेरी और वास्तु एक्सपर्ट के द्वारा आपको, जो मोटिवेशनल जो चैनल है मेरा उस पर मिला करेंगी, ठीक है ना। और अभी भी जाकर देखना, आपको एक वीडियो मिलेगी आपको, उसमें आपके घर के हिसाब से बहुत बारीक जानकारी दी जाएगी। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि सारे उपाय करने के बाद भी उस व्यक्ति की स्थिति में सुधार नहीं आता, सामने वाले की। तो हम लास्ट पर उसमें एक तोप चलाते हैं, यानी कि उसके घर का वास्तु देखते हैं। और वास्तव में कई बार ऐसी चीज़ें पकड़ में आती हैं जिससे उसकी साधना, पूजा पाठ सब खराब हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो उस चीज़ को जानने के लिए आप मेरा जो दूसरा, मैं वो आपको चैनल का लिंक नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेक करें, उसमें आपको विशेष जानकारियाँ मिला करेंगी और आपको मालूम पड़ेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है मित्रों। जय माता रानी, जय माँ भवानी।